केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल, मतलब इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि प्लांट में जो केमिकल है वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलके प्लांट में अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि सोच लो कुछ केमिकल प्लांट में ग्रोथ करवाता है, कुछ केमिकल प्लांट में सेल डिवीजन करवाता है, कुछ केमिकल प्लांट में फ्रूट्स को पकाता है, कुछ केमिकल प्लांट का रूट को ग्रेविटी की तरह ग्रो करवाता है, कुछ केमिकल प्लांट का सूट को लाइट की तरफ ग्रो करवाता है। तो ये सारे केमिकल क्या कर रहे हैं? आपस में मिलजुल के प्लांट में अलग अलग काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट मतलब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, कौन कोऑर्डिनेशन कर रहा है? केमिकल। तो केमिकल क्या हो रहा है? आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक प्लांट में ओवरऑल ग्रोथ करवाता है, चाहे वो फ्रूट को पकाना हो, प्लांट को ग्रो करना हो, उसका हाइट बढ़ाना हो, रूट को ग्रो करना हो, सूट को ग्रो करना हो, फ्रूट को पकाना हो, कुछ भी। यहां तक कि प्लांट का ग्रोथ को एक टाइम में जाके रोकना हो, क्योंकि कोई भी प्लांट बढ़ते ही तो नहीं जाता, एक टाइम जाके रुक जाता है। ये सारा चीज किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ केमिकल। समझ में आया? और ये जो तालमेल है केमिकल के बीच में, या ये जो केमिकल मिलजुल के जो काम करते हैं, ये केमिकल्स तभी करते हैं जब बाहर का एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आता है। क्या आता है बाहर का एनवायरमेंट में? चेंजेस। तो बाहर का एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आता है ना, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। तो सबसे पहला चीज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस जरूरी नहीं कि बाहरी ही हो, अंदरूनी भी हो सकता है। तो स्टिमुलस क्या होता है? द चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग। चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ए चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट। समझ में आया? तो इसको अगर हम लोग अपना अपने ऊपर लेके समझे, तो मान लो कि हम किसी गली में अचानक से टर्न लिए और एक डॉग ना अचानक से मेरे ऊपर भौंकने लगा, तो डॉग का जो भौंकना है ना वो एक स्टिमुलस है। और वो एक्सटर्नल है ना? वो एक्सटर्नल है। या सोच लो कि मुझे भूख लगा, मेरा पेट दर्द दे रहा है भूख से, तो वो भी एक स्टिमुलस है, लेकिन वो इंटरनल है। समझ में आया? और उसके प्रति हम क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करना मतलब क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो डॉग भोकेगा तो या तो हम डॉग को भगाने का कोशिश करेंगे, या खुद डॉग से क्या करेंगे? भाग जाएंगे। भूख लगेगा तो कुछ खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम जो स्टेप्स ले रहे हैं किसके तरफ? स्टिमुलस के तरफ, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स। तो सेकेंड चीज यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या होता है? द रिएक्शन टूवर्ड स्टिमुलस। तो हमारे बॉडी में ना हॉर्मोन्स भी रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और हमारा नर्वस सिस्टम भी रिएक्ट करता है। जैसे कि आपके बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सडनली, मान लो आपके गाल पे मच्छर बैठा है, अपने आप हाथ जाके उसको ऐसे करके हीट कर देता है, या गर्म तावा पे आप हाथ रखते हो तो हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। ये सब जो एक्शन है, ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, आपको हंसने का मन कर रहा है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन। तो हमारे बॉडी में हार्मोनल सिस्टम भी है जो रेस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस के तरफ। जैसे गर्म तावा पे हाथ रखना मतलब गर्म तावा पे हाथ रखना हो गया स्टिमुलस, और खींचना हो गया रेस्पॉन्ड। समझ में आएगी? तो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम भी रेस्पॉन्ड करता है और हार्मोनल सिस्टम भी रेस्पॉन्ड करता है, लेकिन प्लांट में प्योरली, क्योंकि प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, तो प्लांट में सिर्फ हार्मोनल सिस्टम ही रेस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे जिस हार्मोन के बारे में, जिस केमिकल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स वो केमिकल है जो प्लांट का बॉडी प्रोड्यूस करता है
इन रेस्पॉन्स टू क्या स्टिमुलस, समझ में आया कि नहीं। तो हॉर्मोन्स क्या है, द केमिकल्स विच द प्लांट प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कि प्लांट केस में सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, पर हमारे बॉडी में दो दो सिस्टम है। हम लोग प्लांट से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब देखो ये रेस्पॉन्स जो है ना, प्लांट केस में इस रेस्पॉन्स को एक अलग नाम से पुकारा जाता है, तो आपको वो दूसरा नाम भी याद रखो। वो दूसरा नाम क्या है? वो दूसरा नाम है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म तो रेस्पॉन्स का एक दूसरा नाम क्या है? ट्रोपिज्म भी है, ठीक है। अभी हम लोग अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्ड के बारे में पहले पढ़ेंगे और फिर हम लोग फाइनली किस पे चले जाएंगे, हॉर्मोन्स पे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्ड किस टाइप सबका होता है और फिर हम पढ़ेंगे उसका कारण कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ट्रॉपिक मूवमेंट। मतलब ट्रॉपिक का मतलब रिस्पॉन्स होता है, ट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्ड होता है, और उस रेस्पॉन्ड के कारण क्या होता है, प्लांट में कुछ मूवमेंट होता है। प्लांट में मूवमेंट मतलब प्लांट में कुछ टाइप का ग्रोथ होता है। मूवमेंट मतलब प्लांट में, प्लांट तो अपने जगह से मूव नहीं कर सकता ना, तो प्लांट में एक ही मूवमेंट पॉसिबल है, वो है ग्रोथ। कहीं से डाल निकल जाएगा, कहीं से रूट निकल जाएगा, कहीं फ्लावर निकल जाएगा, कहीं फ्रूट निकल जाएगा। तो ये सब जो मूवमेंट होता है ना प्लांट में, वो क्या एक तरह का रेस्पॉन्स ही है। किसके तरफ रेस्पॉन्स है? स्टिमुलस की तरफ। क्या क्या स्टिमुलस होता है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखो, तो ये है ग्रोथ इन प्लांट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोट्रॉपिज्म का स्पेलिंग होगा या ऐसा। फोटोट्रॉपिज्म मतलब हो गया द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स टूवर्ड, या आप सिंपली लिख सकते हो, हाँ ठीक है, प्लांट पार्ट्स टूवर्ड लाइट और सनलाइट, ज्यादा बेटर है सनलाइट। तो मैं एक प्लांट बना रहा हूं, मान लो यहां पे सन है, ये सन और ये फ्लावर है, और ये गमला में रखा हुआ है, और ये इसका रूट्स है, ये इसका रूट्स है, ये इसका स्टेम्स है, ये इसका रूट्स है, ये स्टेम है। अब देखो यहां पे दो टाइप का ग्रोथ हो रहा है, प्लांट का दो टाइप का ग्रोथ हो रहा है। एक ग्रोथ हो रहा है लाइट के तरफ, सनलाइट के तरफ, और एक ग्रोथ हो रहा है लाइट से अवे। जैसे रूट जो होता है ना, वो हमेशा लाइट से दूर ग्रो होता है, मतलब वो लाइट की तरफ जाना नहीं चाहता है। वो किधर जाना चाहता है? लाइट से दूर जाना चाहता है, मतलब सॉइल के अंदर जाना चाहता है। और जो स्टेम होता है, स्टेम बोल सकते हैं या शूट बोल सकते हैं, ये जो ग्रोथ होता है ना, ये हमेशा किसके तरफ होता है? लाइट के तरफ ग्रो होता है। तो जो चीज लाइट के तरफ ग्रो करेगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो चीज लाइट के अगेंस्ट ग्रोथ होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो रूट का जो ग्रोथ होता है ना, वो हमेशा कौन सा होता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और सूट का जो ग्रोथ होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये समझ में आ रहा है? उसके बाद इसी में हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब होता है द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स टूवर्ड अर्थ और ग्रेविटी। तो जियो वर्ड किससे आया है? अर्थ से आया है, और अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी है। तो जब कोई चीज ग्रेविटी के तरफ ग्रो करता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म।
और जब कोई चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो रूट जनरली किधर ग्रो करता है? ग्रेविटी के तरफ, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो सूट का ग्रोथ होता है वो हमेशा ग्रेविटी से अगेंस्ट होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है आपको हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में सेम चीज, सोलो एक गमला है और उसमें एक प्लांट का रूट्स है, और हम लोग रूट्स में क्या डालते हैं? मिट्टी तो डालते हैं, पानी भी डालते हैं। और जो सूट होता है वो हमेशा किधर ग्रो करता है? ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ओके, सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। तो जो सूट होता है या स्टेम होता है वो हमेशा सनलाइट की तरफ ग्रो करता है, और रूट जो होता है वो सनलाइट से अवे ग्रो करता है। लेकिन हम लोग ये चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट जो है, क्योंकि हम लोग पानी कहाँ देते हैं? रूट में देते हैं, तो रूट का ग्रोथ हमेशा किधर हो रहा है? पानी के तरफ हो रहा है। और सूट जो है उसका ग्रोथ पानी से अवे हो रहा है। हम लोग ऐसा तो नहीं करते पानी लेते इसका मुंह पे छिटकारा मारते हैं, रूट में देते हैं ना, तो रूट में पानी डाला जाता है। इसलिए रूट का ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, और सूट का जो ग्रोथ है वो हमेशा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। तो रूट का ग्रोथ जो होगा वो होगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और सूट का जो ग्रोथ होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि वो पानी से अवे हो रहा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब देखो हाइड्रोट्रोपिज्म का लिख लो द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू वाटर, और हम लिख सकते हैं इन पार्ट्स टूवर्ड, और इन रेस्पॉन्स टू वाटर ज्यादा बेटर है, इन रेस्पॉन्स टू वाटर। थर्मोट्रोपिज्म का मतलब हो गया द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू टच, और ये वाला ग्रोथ जनरली जैसे कि ग्रैप वाइन, मतलब ग्रैप्स का जो पेड़ होता है वो भी शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि उसमें टेंड्रिल्स होता है। ये टेंड्रिल्स क्या करता है? जहां पे भी उसको सपोर्ट मिलता है ना, उसके चारों तरफ कॉइल हो जाता है, और इसे पकड़ पकड़ के क्या होता है? ऊपर चढ़ जाता है। ये सब चीज अगर आप देखोगे, ये टेंड्रिल्स को आप कुकुम्बर और बाकी चीजों में भी देख सकते हैं। वो लोग क्या करता है, कोई सपोर्ट मिल गया तो वहां पे कॉइल हो जाएगा उसका टेंड्रिल, और पकड़ पकड़ के बढ़ जाएगा। हाँ, मनी प्लांट में भी होता है। तो ये सब जो ग्रोथ है वो किसके कारण हो रहा है? थर्मोट्रोपिज्म, मतलब ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच। जहां पे टच हुआ, कोई सपोर्ट मिला, वहां पे लपेटना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे किधर चढ़ने लगेगा? ऊपर। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया? ग्रैप वाइन्स। कौन ये टच की तरफ रिस्पॉन्ड करता है? टेंड्रिल्स। समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ हो ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। अगर कोई केमिकल के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल, आप लोग जानते हो कि एक फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, या उसको पिस्टिल भी बोला जाता है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, उसमें तीन पार्ट होता है। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल, और एक होता है स्टाइल, और उसके बाद नीचे में होता है ओवारी, और ओवारी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल। अब इस एग सेल से, एग सेल मतलब हो गया फीमेल गैमेट। अगर इस फीमेल गैमेट से मेल गैमेट जाके मिलेगा तभी उनके फर्टिलाइजेशन से एक नया प्लांट बनेगा। तो मेल गैमेट किसके अंदर में रहता है? मेल गैमेट रहता है किसके अंदर में? यहां पे एक चीज लैंड करता है, उसका नाम है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के अंदर में क्या रहता है? मेल गैमेट रहता है। मेल गैमेट मतलब उसका नाम है स्पर्म न्यूक्लियस।
तो ये मेल गैमेट को किसके पास पहुंचना है, एक सेल के पास। तो यहां से यहां कैसे पहुंचेगा, यहां पे तो कोई रास्ता नहीं है। तो ये पोलन ग्रेन जो है ना, ये क्या फॉर्मेशन करता है, एक चीज का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बनाता है? और ये पोलन ट्यूब तभी बनाता है जब ये जो स्टिग्मा है ना, ये जो स्टिग्मा है ऊपरी सरफेस, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो केमिकल प्रोड्यूस करता है। और वो केमिकल क्या चीज से बना हुआ है, ये स्टिग्मा एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, ये केमिकल बना हुआ है ग्लूकोज से और पेप्टोन से। पेप्टोन से एक तरह का प्रोटीन है और ग्लूकोज है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिससे उसको क्या मिलेगा, एनर्जी, ताकि वो पोलन ट्यूब बना सके। और ये पोलन ट्यूब यहां से होते हुए ओव्यूल के अंदर जाएगा। कहां से जाएगा, यहां पे एक रास्ता रहता है जिसका नाम होता है माइक्रोपाइल। और इसके अंदर एक सेल है और इसमें है स्पर्म न्यूक्लियस, मतलब मेल गैमेट। ये मेल गैमेट ट्यूब से होते हुए क्या होगा, इसके अंदर जाएगा और फीमेल गैमेट से जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे जन्म होगा एक नया बेबी प्लांट का। और जैसे ही नया बेबी प्लांट बन जाएगा तो ओवरी बन जाता है फ्रूट और ओव्यूल बन जाता है सीड। हम लोग फ्रूट खा लेते हैं और सीड को फेंक देते हैं। फिर वो सीड का जो वॉल है जब डिकम्पोज हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ये बेबी प्लांट उसमें से बाहर निकलता है और एक नया पेड़ बन जाता है। ये समझ में आया? ये केमिकल क्या क्या है, शुगर मतलब ग्लूकोज एंड पेप्टोन्स। सही, कौन प्रोड्यूस करता है? ये स्टिग्मा प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोड्यूस करेगा तभी पोलन ग्रेन को इतना एनर्जी मिलेगा कि वो पोलन ट्यूब का कंस्ट्रक्शन कर पाएगा। हेलियोट्रोपिज्म, ये चीज देखा गया है कि जैसे ये सनफ्लावर है, मान लो सन इधर है, तो ये सनफ्लावर क्या होता है, सन के तरफ बेंड हो जाता है। ओके, सन अगर इधर है तो सनफ्लावर उधर बेंड हो जाता है। और जब यही सन यहां से होके इधर आ जाता है, यही सन इस तरफ आ जाता है, तो ये फ्लावर दोबारा उस तरफ बेंड हो जाता है। सनफ्लावर क्या होता है, उधर बेंड हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जिधर सनलाइट गिरते रहता है ना, इस तरफ सनलाइट गिर रहा है तो ऑपोजिट साइड में क्या होगा, शैडो होगा, छाव होगा। अगर सनलाइट सामने से गिर रहा है तो मेरे पीठ पे क्या पड़ेगा, छाव। तो जहां पे छाव पड़ता है वहां पे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सिन। और ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है, ये हार्मोन करवाता है सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन मतलब सेल को क्या करता है, लंबा कर देता है। यहां का सेल क्या हो जाएगा, लंबा। जैसे सोलो सेल ऐसा था ना, तो ये सेल लंबा होकर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब सीधा सा बात है, इधर का सेल छोटा है और इधर का सेल अगर लंबा हो जाए तो ये उधर मिल जाए, मुड़ जाएगा। उसी तरह से जब सन इधर रहता है तो इधर का सेल क्या होता है, लंबा होने लगता है और इधर का सेल छोटा रहता है, इनकॉम्पोजिशन होता है, तो वो इधर मुड़ जाता है। सर जब सन पूरा बीच में रहे तो जनरली, अब देखो सन अगर डायग्री सोलो पूरा ऊपर है तो इधर भी सनलाइट गिर रहा है, इधर भी सनलाइट गिर रहा है, उस टाइम कुछ भी ऑक्सीजन नहीं बनता होगा। तो सेल एलोंगेशन मतलब ना इधर ऑक्सीजन बन रहा है ना इधर बन रहा है, तो प्लांट्स इधर रहता होगा। लेकिन जैसे सन इधर जाता होगा, इधर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, इधर का सेल लंबा हो गया उधर पे, इधर सनलाइट आया, सेल इधर का लंबा हो गया ऑक्सीजन के कारण इधर पे। ये समझ में आया? तो इस टाइप का जो रेस्पॉन्ड होता है, इस रेस्पॉन्ड को क्या बोलते हैं, हेलियोट्रोपिज्म। और इसका डेफिनेशन क्या है, द फेनोमेनन ड्यू टू विच यंग फ्लावर द फेनोमेनन ड्यू टू विच यंग फ्लावर हेड्स फॉलो द पाथ ऑफ सन इन स्काई। स्काई में सन जैसे जैसे जो पाथ को फॉलो करेगा ना, वो प्लांट भी क्या करेगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा। तो इस टाइप का मूवमेंट कौन दिखाता है, एग्जांपल में लिख लेना, सन फ्लावर। फिनोमेना का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज जो कि अद्भुत होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि देख के हम लोग शॉक हो जाते हैं, ये क्या होता है।
उस टाइप चीज को फेनोमेना बोलते हैं। सर हेलियोट्रोपिज्म में और फोटोट्रोपिज्म में डिफरेंस क्या है? ये कैसा है अगर बोलेगा तो? फोटोट्रोपिज्म में पूरा का पूरा ग्रोथ होता है प्लांट के तरह, मतलब पूरा का पूरा सुन लो कि ये डाल पूरा लाइट की तरह भी ग्रोथ होते रहेगा सर वहाँ पे ऐसे। उसी तरह सुन लो सन इधर चला गया तो ग्रोथ इधर होने लगेगा, सन इधर गया तो ग्रोथ इधर होने लगा, मतलब हम बोल सकते हैं। लेकिन हेलियोट्रोपिज्म में क्या हो रहा है? कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका। बस क्या हो रहा है ना, ये फ्लावर ना अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और वो किसके कारण हो रहा है? सेल एलोंगेशन का। लेकिन वहां पे पूरा का पूरा सेल डिवीजन होकर ग्रोथ होता है, तो फोटोट्रोपिज्म में क्या होगा? सेल डिवीजन होकर ग्रोथ होगा। लेकिन यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल सिर्फ लंबा हो जा रहा है। इस साइड लंबा हो जाएगा तो इधर बेंड हो जाएगा, इधर लंबा हो जाएगा इधर बेंड हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग ये समझ गए कि ट्रोपिज्म क्या होता है। ट्रोपिज्म होता है रेस्पॉन्ड टू अवर एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट, पर वो रेस्पॉन्ड प्लांट किसके कारण करता है? वो है केमिकल्स, और केमिकल्स का नाम केमिकल्स का मतलब हो गया हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स होता है द केमिकल प्लांट प्रोड्यूसेस इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो हम लोग एक एक करके हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हॉर्मोन डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये डिवीजन नहीं करवाता है, सेल डिवीजन नहीं करवाता है, सेल को एलोंगेट करता है, सेल को बड़ा कर देता है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है सेल को एलोंगेट कर देता है। एलोंगेट मतलब लंबा कर देता है। तो ऑक्सिन हार्मोन को यूज करके बहुत जन क्या करता है, अंगूर जो होता है ना ग्रेप्स, उस पेड़ में भी क्या करता है, उसको इंजेक्ट कर देता है। तो उस पेड़ में अगर ऑक्सिन का हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ग्रेप्स जो है अपने नॉर्मल साइज से थोड़े बड़े बड़े होंगे, क्योंकि वो एलोंगेट कर देगा उसको। तो जो ग्रेप गोल गोल होता है छोटा छोटा, वो लंबा लंबा होगा। और आजकल तो लंबा लंबा मिलता ही होगा, समझ रहा है? तो डाला जा रहा है बाहर से, मीठा के चक्कर में कम मीठा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ओके, दूसरा काम क्या करता है ऑक्सिन? ये ना सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? एजिंग। ये हार्मोन अगर प्लांट में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लांट का जो एजिंग प्रोसेस है, मतलब प्लांट का जो ग्रोथ हो रहा है वो स्लोली स्लोली होगा। तो ज्यादा जल्दी प्लांट बूढ़ा होके मरेगा नहीं। अगर कोई बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो वो धीरे धीरे ओल्ड होगा। तो ये क्या करता है? ये डिले कर देता है किसको? एजिंग को, मतलब बूढ़ा होने का जो प्रक्रिया है। तो ये जिस प्लांट में ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसका पत्ता भी क्या होगा? लेट से झड़ेगा, क्योंकि पत्ता भी लेट से बूढ़ा होगा, हर चीज लेट से धीरे धीरे ओल्ड होगा। तो ये क्या करता है? डिले लीफ सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब एजिंग, एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का झड़ने का प्रोसेस को स्लो कर देता है। ये हार्मोन जनरली ज्यादा मात्रा में कहां प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है प्लांट का वो पार्ट में जहां पे ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है, जहां पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या करता है? सेल डिवीजन। लेकिन ये सेल डिवीजन नहीं करता है, ये जो भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू का सेल डिवीजन हो जाता होगा उसको बड़ा करता होगा, उसको जल्दी जल्दी क्या करता होगा? बड़ा करता होगा। जल्दी जल्दी तो नहीं करता होगा, स्लोली स्लोली बड़ा करता होगा, क्योंकि अभी अभी बोले कि ये सेनेसेंस करता है। तो जो भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? एपिकल पार्ट और लेटरल पार्ट में पाया जाता है, प्लांट के साइड साइड में पाया जाता है, और प्लांट के टॉप में और बॉटम में पाया जाता है। टॉप मतलब सूट, बॉटम मतलब रूट, और साइड मतलब उसका हो गया जो उसका जो गिर्थ है, उसका डायमीटर है। तो इट इज तो ये कहां पे ग्रोथ करवाता है? इट प्रोमोट ग्रोथ एट एपिकल एंड लेटरल बड्स, और एपिकल और लेटरल बड्स कहां होते हैं? ये होते हैं रूट और सूट के टिप में। कहां पे होते हैं? रूट और सूट के टिप, मतलब पूरा ऊपरी हिस्सा या पूरा का पूरा निचली हिस्सा।
उसके अलावा ये लेटरल ग्रोथ भी करवाता है, इसका डायमीटर को बढ़वाता है पेड़ का। चौथा पॉइंट है ऑक्सिन इंड्यूस रूटिंग इन कट पार्ट ऑफ स्टेम्स। कोई भी स्टेम्स को काट के उसको जमीन में लगाओगे तो उससे नया रूट निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सिन के कारण होता है। और जनरली ये किस में होता है? रोज, बोगेनविलिया। तो आप एक एग्जांपल याद रखो, रोज। ओके, लास्ट पॉइंट इसका, लास्ट पॉइंट है कि ये किसी भी फ्रूट को पका सकता है बिना फर्टिलाइजेशन। क्या कर सकता है? या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये फ्रूट को बना सकता है। क्या कर सकता है? ये फ्रूट को बना सकता है बिना फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तब जाके ओवारी फ्रूट बनेगा, ओव्यूल क्या बनेगा, सीड बनेगा। लेकिन अगर ये हार्मोन चाहे तो बिना फर्टिलाइजेशन का भी ओवारी को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्रूट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? द फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाय ऑक्सिन। किस पेड़ में होता है? तो यहाँ पे कुछ पेड़ का नाम भी दे दिया है, जैसे कि एप्पल टोमाटो एंड बनाना। तो ये कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसमें फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन भी होता है। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। मतलब सर इसमें सीड होगा भी नहीं? इसे फीमेल गैमेट होगा ना, एप्पल में तो होता है, केला में होता पता नहीं क्या। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे पेड़ में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हार्मोन चाहे तो बिना फर्टिलाइजेशन का भी फ्रूट बना सकता है, वो बोल रहे हैं। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो सीड में वो बेबी प्लांट नहीं क्रिएट होगा, तो फिर तो एप्पल और बनाना और टमाटो का पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा।